प्रमेय दो, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। उपपत्ति, दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी के कोण क्रमशः कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है। हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश होता है। सिद्ध करने के लिए भुजा बीसी के समांतर और शीर्ष ए से गुजरने वाली रेखा PQ खींचिए चित्रानुसार। अब रेखा BC और PQ परस्पर समांतर रेखाएं हैं और AB तथा AC तिर्यक रेखाएं हैं। चित्र से स्पष्ट है कि कोण 4 और कोण 2, कोण 5 और कोण 3 एकांतर कोणों के युग्म हैं। अतः कोण 2 बराबर कोण 4 समीकरण 1, कोण 3 बराबर कोण 5 समीकरण 2। परंतु PAQ एक रेखा है, अतः कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 अंश समीकरण 3। समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से क्रमशः कोण 4 और कोण 5 का मान रखने पर कोण 2 धन कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अंश अर्थात कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। सोचें और चर्चा करें, दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? अपने उत्तर कारण सहित बताइए।